हेलो एवरीवन, एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस 2024 के काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज लास्ट डेट है। आज 22 सितंबर 2024 है और आज के दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया होगा, पोर्टल में वेरीफाइड लिख करके आ रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ होगा। तो जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है उनको वेट करना है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का, और जिनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए हैं वहाँ पर रिजेक्टेड लिख करके आ रहा है, और रिजेक्टेड अगर लिखा होगा तो वहाँ पर रीज़न भी मेंशन होगा। तो अगर आपकी मार्कशीट रिजेक्ट हुई है, अगर आपके मार्कशीट में फॉर एग्जांपल आपने ओरिजिनल मार्कशीट नहीं अपलोड की थी, तो आप क्या कर सकते हैं, रिसबमिशन की जो डेट है, रिसबमिशन की डेट क्या है, 23 सितंबर है, 23 सितंबर के दिन रिसबमिशन है। तो आप आज के दिन रिसबमिट आपको नहीं करना है, 23 सितंबर के दिन रिसबमिट करना है, जिस भी डॉक्यूमेंट में आपको प्रॉब्लम है वो रिसबमिट कर देना है। ओके, रिसबमिट के बाद क्या होगा कि आपका वेरीफाइड हो जाएगा 24 सितंबर को। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिजेक्ट मिला, रिजेक्शन मिला है, और डीएस कैटेगरी की वजह से। अब डीएस कैटेगरी की वजह से कैसे रिजेक्ट हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार क्या है कि नेबरहुड स्टेट है यूपी का, तो नेबरहुड स्टेट को डीएस कैटेगरी नहीं मिलती है। अब बहुत सारे लोगों ने डीएस अप्लाई किया था जब उन्होंने एएमयू 11th एंट्रेंस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उसकी वजह से डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया। तो उनको क्या करना है, और मेरे अकॉर्डिंग मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की बात भी नहीं हो पा रही होगी कंट्रोलर ऑफिस से, तो मेरे अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि एक एप्लीकेशन फॉर्म लिख सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और प्लेन पेज पे एप्लीकेशन लिख करके आप मेंशन कर दें कि आपको जो एडमिशन चाहिए वो जनरल कैटेगरी से चाहिए और आपको डीएस कैटेगरी से एडमिशन नहीं चाहिए। ये एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हैं, एक पेज पे फिल करके उसको आप फोटो खींच सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। उसको डॉक्यूमेंट बनाने के बाद, पीडीएफ बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको स्पेशल कैटेगरी में आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपको वहां पे हो सकता है वो कंसीडर करके आपको जनरल कैटेगरी से एडमिशन दे दें, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत बार बात किया था तो उन्होंने ये सोल्यूशन बताया था इस तरीके से। लेकिन आपको क्या करना है कि आप एक बार वहां पे बात भी कर सकते हैं कंट्रोलर ऑफिस में, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि क्या सोल्यूशन होने वाला है इसके लिए, और आपने फॉर्म में मिस्टेक कर दिया था। बहुत सारे लोगों का रेगुलर में भी रिजेक्ट हुआ था डीएस कैटेगरी की वजह से, क्योंकि जितने भी नेबरहुड स्टेट है, नेबरहुड स्टेट मतलब जितने भी स्टेट यूपी से लगे हुए हैं, अटैच है, उनको डीएस नहीं मिलता है। जो दूर वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र को डीएस मिलता है, जेएंडके, जम्मू एंड कश्मीर उसको मिलता है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल को भी डीएस कैटेगरी। तो जो नेबरहुड स्टेट नहीं है उनको डीएस कैटेगरी मिलती है, लेकिन बिहार डीएस में नहीं आता, बिहार, एमपी या राजस्थान, ये सब डीएस में नहीं आते। ओके, तो इसके बाद क्या करना होगा, जितने भी लोग डॉक्यूमेंट रिसबमिट करेंगे और या फिर एप्लीकेशन अटैच करके रिसबमिट करेंगे, उनका वेरिफिकेशन 24 को हो जाएगा, और जिनका पहले से ही वेरिफिकेशन हो चुका है उनको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सीधे आप लोगों को वेट करना होगा, और जितने भी लोगों का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है वो लोग केयरफुली कल ही, यानी कि कल 23 सितंबर है, और कल ही सब कुछ सही करके आप लोग अपलोड कर दें, अदरवाइज आपको दोबारा कोई भी चांस नहीं मिलेगा और आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर आपका एडमिशन एक बार क्लोज हो गया दोबारा फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप लोग बहुत सही तरीके से देख लें और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें सही तरीके से, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9634775736 पे कॉल करके क्वेरी भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट जितने भी लोग रिसबमिट करेंगे उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा 24 सितंबर को। उसके बाद सारे लोगों का, जितने भी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका होगा, उनका फॉर्म लिस्ट में नाम आएगा 25 से 26 सितंबर के बीच में, यानी कि फाइनली आपको एक बार रिजल्ट आया था, अब एडमिशन ऑफर हो रहा है, तो एडमिशन ऑफर हो जाएगा। उसके बाद 25 से 26 सितंबर के बीच में फॉर्म लिस्ट आने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट की जो डेट है वो 27 से 29 सितंबर है, यानी कि टोटल आपको 3 दिन का टाइम मिल रहा है, 27, 28, 29। इस 3 दिन के अंदर आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपको 27,000 लास्ट ईयर लगा था आई थिंक, या फिर इस साल हो सकता है 28,000 लगे, जो भी पेमेंट आपको करना होगा एक साथ आपको पूरा पेमेंट करना होगा। ओके, और आपको पेमेंट ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन नहीं करना है। आप पोर्टल ओपन करेंगे, वहां पे जाकर के आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप से करना है, मोबाइल से नहीं करना है। मोबाइल से जब भी आप करते हैं तो पेमेंट में क्या है कि अपडेट नहीं होता, और अपडेट नहीं होता है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आपके पास नहीं है लैपटॉप या डेस्कटॉप का, बिल्कुल इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है लैपटॉप या डेस्कटॉप का, तो आप उससे ही पेमेंट करें। उसके बाद पेमेंट अगर आप 27 से 29 के बीच में नहीं कर पाते हैं इन एनी केस, तो फिर आप 30 सितंबर को विद लेट फाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है काउंसलिंग का। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे 9634775736 पे। एक और बात आपको इन्फॉर्म करनी थी कि स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस का बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी लोग क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस का मॉर्निंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, पीसीएम, पीसीबी स्टूडेंट या फिर ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, वो लोग कोचिंग पे आकर के विजिट कर सकते हैं या फिर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9634775736 पे। अभी जो 12th का बैच है हमारा वो ऑलरेडी चल रहा है, यानी कि जो क्लास 11 में लास्ट ईयर इनरोल्ड स्टूडेंट थे यहाँ पे, वो लोग अब 12th में जा चुके हैं, पीसीएम स्टूडेंट, पीसीबी स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स। इसी तरीके से इस साल भी क्लास 11 का बैच स्टार्ट होने वाला है,
और क्लास 11 का बैच जैसे ही आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी उसी के साथ हमारे क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो जितने भी लोगों को बैच ज्वाइन करना है वो लोग जल्दी से जल्दी आकर के कोचिंग पे विजिट कर लें या फिर हमें कॉल कर लें। ओके, थैंक यू।